अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्मोकी आई लुक। बहुत ही खूबसूरत सा लुक है जो कि किसी भी ड्रेस के साथ आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ लेकिन आप लोग भी ज़रूर उसको स्किप करते हैं। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो आई बेस मैंने सेट कर ली हुई है, टेप भी मैंने लगा ली हुई है। तो सबसे पहले हम लेंगे मीडियम ब्राउन शेड, इसको अप्लाई करेंगे हम अपनी क्रीज लाइन पे। क्रीज लाइन पे अप्लाई करने के बाद हमेशा की तरह हमने इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है। स्मोकी आई है, स्मोकी आई में तो स्पेशली जो है ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्रीज वाला कोई भी सीन नहीं होता। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आप लोगों की होगी, आपकी स्मोकी आईज उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो अच्छी तरह से हमने जो है ब्लेंड भी कर लिया है शेड्स को। उसके बाद जो सेकेंड शेड लेंगे, जो कि हमारा मेन शेड है, वो ब्लैक शेड है। ब्लैक शेड को जी अब हम अपने आई लिड पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अच्छा, मैं स्मोकी आई में ना हमेशा ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक क्रीज लाइन पे जो है ना ऑरेंज या पिंक, ग्रीन, कोई भी शेड अपनी नीड के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। ब्राउन शेड का ये होता है कि किसी भी ड्रेस के साथ ये वाला लुक जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने टेप कर ली है, रिमूव तो लोअर लाइन पे ऑफ कोर्स स्मोकी लुक है तो ब्लैक आई शेडो ही अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एप्लीकेशन के बाद हमने जो है ना अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। मैंने ब्रश चेंज किया है, ये थोड़ा सा फ्लफी सा है तो इससे ब्लेंडिंग अच्छी होगी। उसके बाद जी लैशेस को मैंने किया है मस्कारा, आर्टिफिशियल आई लैशेस अप्लाई करने से पहले। तो उसके बाद जी अंडर आई में मैं जो है वाइट आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने ब्लैक नहीं किया है। यहाँ पर हम वाइट आईलाइनर अप्लाई करेंगे, इससे लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आर्टिफिशियल लैशेस मैंने अप्लाई कर ली हुई है। उसके बाद हम जो है आईलाइनर वो सिल्वर लगाएंगे। सिल्वर आईलाइनर जो है बहुत ही खूबसूरत सा लुक इससे आएगा। उसके बाद लोअर लैशेस को जी मस्कारा करना है एज यूजुअल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये तो स्किप आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। तो हाईलाइटर इस मेकअप में मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं जी। लुक हमारा हो गया है कम्प्लीट। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। फेवरेट लुक रील करवाने के लिए आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। एज यूजुअल चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ साथ जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।